विश्व के सभी प्रकार के इंडस्ट्रीज रेजिडेंस कॉमर्शियल ऑफिस स्ट्रीट लाइट तथा सभी प्रकार के माल और शोरूम में स्विचगियर का एक ऐसा कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो एम होता है यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नमस्कार दोस्तों महेश प्रकाश इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट्स में आपका स्वागत करता हूँ तो आइए देखते हैं एम की डिजाइन और वर्किंग सिस्टम क्या होती है और ये कैसे काम करता है MCB एक ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच है यह इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के कारण ओवर करंट से होने वाले डैमेज से बचाता है यह फ्यूज से अलग है क्योंकि फ्यूज एक बार मेल्ट होने पर रिप्लेस करना पड़ता है परंतु एम को मैनुअली या ऑटोमेटिकली रीसेट कर सकते हैं सर्किट ब्रेकर को जब एक मोल्डेड केस में पैक कर दिया जाता है तो उसे मीनीचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं यह मोल्डेड केस इंसुलेशन और हाउसिंग का, का काम करता है आइए एम के पार्ट्स के बारे में जानते हैं इनकमिंग टर्मिनल इस जगह से इनकमिंग में कनेक्शन लेते हैं और यह इलेक्ट्रोलाइट कॉपर या सिल्वर एलाय से बना होता है ब्रेडेड कॉपर वायर यह मूविंग कंटेक्ट और स्टैटिक एलिमेंट को कनेक्ट करने का, का काम करता है मैग्नेटिक वायल यह ट्रिपिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के समय क्वाइल में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है आर्चूड आर्च्यूड में पैदलली कनेक्टेड स्टील स्ट्रिप और इंसुलेटेड प्लेट का एक समूह होता है जो कंटक और आर्क को सेपरेट करता है आन ऑफ नोब यह एम को मैनुअली ऑपरेट करने के लिए होता है इसके नोब को ऊपर करने से ऑन और नीचे करने से ऑफ हो जाती है बाई मेटल स्ट्रिप यह थर्मल ट्रिपिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट है जिसके ऊपर थर्मल कॉयल को लपेटा जाता है जो ओवर करंट के कंडीशन में हीट जनरेट करके ट्रिपिंग का, का काम करता है आउट गोइंग टर्मिनल इस जगह से आउटपुट कनेक्शन लेकर सर्किट में कनेक्ट किया जाता है आइए हाँ जानते हैं एम कैसे काम करता है नॉर्मल कंडीशन में करंट इनपुट से कंटेक्ट पॉइंट के थ्रू होकर मैग्नेटिक कॉल और बाई मेटेलिक स्ट्रिप से गुजरते हुए आउटपुट पॉइंट तक जाता है यानी कि यह इनपुट से आउटपुट तक पूरा सीरीज में कनेक्टेड होता है यह फॉल्ट और ओवरलोड कंडीशन में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को मुख्य पावर सप्लाई से डिसकनेक्ट कर देता है जिससे अप्लायंस या सर्किट डैमेज होने से बच जाते हैं ओवरलोड कंडीशन में करंट के हाई फ्लो होने की वजह से बाई मेटेलिक स्ट्रिप का टम्परेचर बढ़ जाता है जिससे अंदर के मेटल का थर्मल एक्सपेंशन होने से लेचिंग होती है और लॉक रिलीज होने के कारण सर्किट ट्रिप हो जाती है परंतु शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मैग्नेटिक कॉयल में हाई करंट हो जाने के कारण कॉयल की मैग्नेटो मोटिव फोर्स उसके प्लंजर को उसी लेच पॉइंट से टकराकर लेच को मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट करके लॉक रिलीज कर देता है जिसके कारण सर्किट या एम ट्रिप हो जाती है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जब एम ट्रिप हो जाता है तो इसकी ऑन आप नोब नीचे गिर जाती है परंतु अगर फॉल्ट सॉल्व हो गया है तो उसके नोब को नीचे करके ऊपर उठाने से एमसीबी सी बी होकर ऑन हो जाती है